हमारे बीच में हमारे भाई आदरणीय स्मृति चिन्ह भेंट करें। ये स्मृति चिन्ह विशेष रूप से इस समय में प्रवर परिवेश तथा करोना समय के अनुरूप है, जिसमें हमने गिलोय काढ़ा मास्क सैनिटाइजर व च्यवनप्राश का यूज किया है, और ये हम स्मृति चिन्ह के रूप में अपने अतिथियों को अर्पित करते हैं। अब मैं व्यापक मित्तल जी से अनुरोध करूंगी कि शॉर्ट भैया से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्मृति चिन्ह भेंट करें। आदरणीय देशबंधु गुप्ता जी का कृपया अपने स्मृति चिन्ह भेंट करें। हमारे बीच हम सबकी प्यारी कौशल शर्मा आरती जी भी बैठी हुई है। का स्वागत करती हूँ। तब मैंने अपनी सखियों के साथ लगभग 4 साल चाइना और भारत के युद्ध में स्वेच्छा से भारतीय सेना में भर्ती हुए थे, और मेरे पति बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवक रहे। इन दोनों से मुझे देश सेवा की प्रेरणा मिलती रही। फिर मैंने सन 1989 से 2008 तक लोक कल्याण समिति में समाज सेविका के रूप में नंद नगरी, सुंदर नगरी और गुड़गांव में चक्रपुर गांव में कार्य किया, और जिससे मुझे स्लम्स में कार्य करने की पूरे इस क्षेत्र में अपना अनुभव यात्रा होती है, और ये निश्चित रूप से काम करती है। हमारे अग्रवाल संगठन की महिला प्रमुख बनी, और अब जिले के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सौंपी है। बहनों भाइयों, ये जो कार्यक्रम रचना जी ने किया है इंद्रधनुष लेडीज वेलफेयर क्लब, जब ये जानकारी मेरे पास, क्योंकि ये कम से कम 20 कार्यक्रमों में तो मैं आईपी एक्सटेंशन में आ चुका हूं जो इन्होंने कार्यक्रम किए, और मैं आईपी एक्सटेंशन के क्योंकि भीषण पितामह सुरेश तिंदल जी हैं जो यहां सबको ये शिक्षा देते हैं कि हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं। मैं उनको साधुवाद देता हूं कि सबसे ज्यादा सेवा कार्य आईपी एक्सटेंशन में चलते हैं। निश्चित रूप में रचना जी, हमने भगवान को देखा नहीं है, लेकिन इस धरती पर अगर हमने किसी गरीब के आंसू पहुंच दिए तो मुझे लगता है कि हमें साक्षात भगवान नजर आते हैं। हमने भगवान को मानकर इस समाज में जो हमारे से थोड़े से पिछड़ गए हैं, जो पीछे रह गए, उनको अपने साथ लेने का काम हम कार्यक्रम चलते रहते हैं। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए इस महिला विंग को, महिला क्लब को, पूरी टीम को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, और ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं कि हर बार ये ऐसे कार्यक्रम चलते रहे। एक और रचना गण जी जो हमारी अध्यक्ष है महिला टीम की, एक बस फ्री वृंदावन जा रही है जो बाके बिहारी के दर्शन करा के लाएगी। आप में से जो भी भाई बहन पहले निकालेगा फर्स्ट कम फर्स्ट ठाकुर जी के दर्शन कर सकता है। तालियां तो बनती है गाने का। हमारे हाथ पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था भारतवर्ष, ऐसा भारतवर्ष था, क्योंकि वहां कभी एक दूसरे में कोई ईर्ष्या नहीं थी, कोई द्वेष नहीं था, कोई भेद नहीं था, किसी भी जाति का है चाचा ताऊ कहकर भाई कहकर बुलाते थे, ऐसा भारतवर्ष था। इन्हीं कारणों से हमारे देश पर जो परकीय सत्ता रही, तो परकीय सत्ता के कारण अनेकों इस समाज में घोष आए, और उस घोषों के कारण हजारों वर्ष तक अपना देश गुलाम रहा, और अब वो दिल दूर नहीं जो कभी जिसको कहते थे भाप
अग्रसर है, बहुत लंबा समय नहीं है, बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा। 13 दिन से अभी केजरीवाल आवास के बाहर धरने पर बैठे थे हम 30 निगम पार्षद, जिनमें 3 निगम के महापौर भी थे, और हमारा एक ही संकल्प था कि हमारे वो स्वच्छता कर्मी जो सुबह सुबह 6 बजे सड़कों को साफ कर देते हैं, वो 70,000 कर्मचारी जिनकी तनख्वाह केजरीवाल जी ने रोक रखी है, वो तनख्वाह हम वापस लेकर आए, हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी, हमारे अन्य अन्य विभाग के कर्मचारी। लेकिन केजरीवाल जी नहीं पसीजे, लेकिन हमें एक अनुभव जरूर मिला उसमें कि 13 दिन तक कड़कड़ाते ठंड में फुटपाथ पर खुले आसमान के नीचे जब 2 डिग्री टेम्परेचर होता है तो हवा किस प्रकार आपकी हड्डियों को चीरती है, उस समय जो कंबल आपको दिए जाएंगे बहुत याद आएंगे, क्योंकि हमें भी कंबल बहुत याद आते थे ना। हमने 13 दिन कैसे काटे ये हम जानते हैं, लेकिन वो 13 दिन हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा सबक थे। हमने वह संघर्ष अभी सिर्फ समाप्त नहीं हुआ, कुछ देर के लिए थमा है और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। मैं आज इस मंच के माध्यम से ये भी कहना चाहती हूँ, केजरीवाल जी की अराजक नीतियों के विरोध में हम हमेशा खुलकर आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे, और अपने निगम का बकाया फंड तो हम लेकर जाएंगे ही जाएंगे। ये मेरा छोटा सा संदेश था आप लोगों के लिए, और मैं ये भी कहना चाहूंगी आप सभी लोगों से, जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं, जब भी आपको कोई चीज दी जाती है तो उसका सदुपयोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि देने वाला बड़े दिल से अपनी बड़ी कमाई से धन खर्च करके वो आपको देता है कि भाई मैं अपना ये धन दूं। और चाणक्य ने भी कहा है, चाणक्य जी जो बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, उन्होंने कहा है अगर आपके पास धन ज्यादा आ जाए तो उसे दान देना ही शुभ होता है, क्योंकि लक्ष्मी बहुत चंचल होती है, वो कभी किसी के पास टिकती नहीं, और मेरी बहन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये हमेशा ऐसे कार्य करती रहती है कि धन अपने पास रखती ही नहीं। तो आप सभी लोग जो यहाँ आए, आपका तहे दिल से शुक्रिया, इंद्रप्रदेश लेडीज क्लब वेलफेयर क्लब की सभी महिला सदस्यों का और उनके पीछे खड़े पुरुषों का मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित करके एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, और मैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली हूँ, हमें नहीं पता था कि कल हम घर वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, लेकिन आज मुझे आप लोगों के बीच आने का मौका मिलना था, ये सानिध्य प्राप्त होना था, और मैं अपने पिता तुल्य आर एस वर्मा अंकल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो मुझे समय समय पर मार्गदर्शन देते रहते हैं। मुझे आप सभी लोगों के प्यार की सहयोग की बहुत आवश्यकता है, और मैं आपकी अपेक्षाओं पर पूर्ण खरी उतरने का प्रयास करूंगी, ये मेरा आप सबसे वादा है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। आज हमने माधव सेवा मानव सेवा के अंतर्गत इंद्रधनुष लेडीज क्लब के तरफ से शॉल कंबल कोरोना महामारी के अंदर जो इस्तेमाल होती है कोरोना किट, जिसमें हमने N95 मास्क रखा है, सैनिटाइजर रखा है, और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने का काढ़ा भी रखा है उसके अंदर, और लेडीज़ के लिए हमने सैनिटरी पैड्स दिए हैं, और रचना ये आज हमने 200 कंबल और 200 शॉल और 500 सैनिटरी पैड्स बांटे हैं। ये हमने जोशी कॉलोनी का स्लम्स एरिया और हसनपुर इंदिरा कैंप के लोगों को, कुछ ही चुनिंदा लोगों को बुलाया है कोरोना महामारी के अंतर्गत, डिस्टेंसिंग का भी क्योंकि सवाल था इसलिए हमने सिर्फ 200 लोगों को ही बुलाया है, उनको हमने घर पर कूपन्स दिए थे और कूपन के अकॉर्डिंग ही लोगों को बुलाया गया जिससे भीड़ भाड़ ना हो। मैं देशबंधु गुप्ता, अध्यक्ष अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश, आज इंद्रधनुष लेडीज वेलफेयर क्लब की अध्यक्ष श्री रचना गर्ग जी के द्वारा कंबल वितरण समारोह करा गया, बहुत ही खुशी की बात है। ज़रूरतमंद की हेल्प करना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है, इससे बड़ा कार्य कोई नहीं होता। रचना जी के बारे में एक बात और मैं कहना चाहूँगा, वो हमारे संगठन दिल्ली प्रदेश की
महिला अध्यक्ष भी है और उनके द्वारा बहुत ही कार्यक्रम चलते रहते हैं। इस समय नए साल में उनके द्वारा कार्यक्रम जो संगठन दिल्ली प्रदेश में 20 बच्चों को बीजी कोर्स, 20 बच्चों को टैली कोर्स उनके द्वारा दिखा दिया जाएगा और फर्स्ट वीक में जनवरी में बाके बिहारी के दर्शन के लिए एक फ्री बस महिलाओं की लेकर जाएगी। तो ऐसे ही पुण्य के कार्य चलते रहे, मेरी ठाकुर जी से प्रार्थना है इस क्लब पे हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे। देखिए आज यहाँ जो इंद्रधनुष लेडीज वेलफेयर क्लब के माध्यम से कंबल, शॉल और सैनिटरी पैड्स का वितरण किया गया है, ये वाकई में सर्दी के कड़ाके की जब ठंड पड़ रही है, जब 2-4 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, उसमें बहुत ही सुखदायक रहेगा जिसको भी ये दिया जा रहा है। और मैं इस संस्था के सभी पदाधिकारियों को और इसके अध्यक्ष रचना गर्ग जी को और जो इनके पीछे जो भी सपोर्ट सिस्टम है उसको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने आज एक ऐसा सुंदर कार्य किया और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि इन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका दिया। मैं लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि कोई भी संस्था जब आपको कोई भी चीज़ दान में देती है तो वो अपनी बहुत ही गाढ़ी कमाई से आपको वो दान देती है, और उस दान को सदुपयोग कीजिए। उस दान को लेकर इधर उधर रखने या अलग वलग करने से फायदा कि आप उसे इस्तेमाल करें, क्योंकि कड़ाके की सर्दी क्या होती है ये मैं इन 13 दिनों में बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ। रचना जी 13 दिन लगातार, सॉरी अपर्णा जी, आप 13 दिन लगातार रहे, सर्द रातें बिताई आपने 13,000 करोड़ की मांग के लिए, केजरीवाल जी नहीं आए आपसे मिलने भी, क्या कहेंगी मैम वापस आ गई हैं अपने क्षेत्र में अपने वार्ड में? देखिए पहली बात तो मुझे अपने क्षेत्र अपने वार्ड में अपने लोगों के बीच आकर बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है, क्योंकि मैंने 13 दिन अपने लोगों को बहुत मिस किया। और लेकिन केजरीवाल जी के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, यदि गलती से भूले भटके भी कोई आपके दरवाजे पे आ जाता है तो आप दरवाज़ा खोल के उसे पानी ज़रूर पूछते हैं, आतिथ्य ज़रूर करते हैं। और हम तो उनसे समय लेकर गए थे, हमारा डेलीगेशन गया था जिसमें 3 महापौर और हमारे बाकी 30 निगम पार्षद थे, उन्होंने हमें बुलाया था, बुलाने के बावजूद भी उन्होंने इतनी जहमत नहीं उठाई। हम वहाँ धरना देने नहीं गए थे, हम वहाँ उनसे सिर्फ मिलने गए थे, मिलने के, लेकिन उन्होंने मिलने की जहमत नहीं उठाई, उन्होंने आकर हाल नहीं पूछा, तो हमें मजबूरन वहाँ धरने पर बैठना पड़ा, क्योंकि वो धरना मुख्यमंत्री है, धरना कर करके राजनीति की है उन्होंने, धरना करके मुख्यमंत्री बन गए, अभी भी वो संविधान नहीं मानते, असंवैधानिक कार्य करते हैं, अराजक उनकी तानाशाही है, क्या कह सकते हैं, वो एक अच्छे इंसान बन जाएं जो कहते हैं मैं बेटा हूँ दिल्ली का, मैं भाई हूँ दिल्ली का, उसे वहाँ बैठी 16-20 महिला पार्षदों का दुख नहीं दिखा कि वो किस तरह 13 दिन उन्होंने कड़ाके की सर्दी में वो रातें वहाँ काटी, वो एक बार भी पूछने नहीं आया बहनों आपका क्या हालचाल है, ऐसा भाई होता है? ये भाई नहीं, कसाई है। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि केजरीवाल जी पहले आप अपनी संवेदनशीलता को वापस पाएं और एक अच्छा इंसान बने ताकि आप दिल्ली की जनता की सेवा कर सकें। जिस जनता को गुमराह करके आप गद्दी पर आकर बैठ गए हैं उस जनता का दुख दर्द आपने भुला दिया। मेरे वो निगम कर्मचारी जो सुबह 6 बजे उठ के झाड़ू लगाते हैं, अगर वो झाड़ू ना लगाए ना तो आप दिल्ली का हाल देखेगा कि क्या हो जाएगा। आपने उनकी तनख्वाह रोक रखी है, क्या करेंगे आप उनका पैसा रोक कर? वो 13,000 रुपये आपका नहीं था, वो दिल्ली की जनता के टैक्स का पैसा है, वो ग्लोबल शेयर निगम को मिलना चाहिए, क्योंकि निगम को यदि वो शेयर नहीं मिला तो निगम पंगु हो जाएगा और कोई भी राज्य निगम के बिना कार्य नहीं कर सकता। अपर्णा जी आपके कर्मचारी आपके संघर्ष को लगातार याद रखेंगे, लेकिन कितना लंबा और संघर्ष करेंगी आप उनके लिए? जब तक हमारा बकाया हमें वापस नहीं मिलेगा हमारा संघर्ष जारी रहेगा।